नमस्कार, सुबह के 11 बजने वाले हैं, वक्त हो चुका है बिग ब्रेकिंग का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चले कि नीट यूजी परीक्षा विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी जो याचिकाकर्ता हैं उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। अनियमितताओं संबंधित 38 याचिकाएं दायर की गई थी और आज उसी पर सुनवाई होनी है। इनमें 5 मई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप वाली और परीक्षा फिर से कराने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। तकरीबन 24 लाख छात्र कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की तो कुछ छात्रों की मांग है कि इसे रद्द ना किया जाए। अब देखना यह है कि किसके फेवर में आता है आज कोर्ट का डिसीजन, क्योंकि इसको लेकर एनटीए और केंद्र सरकार भी कह रहा है कि परीक्षा रद्द ना की जाए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट किन याचिकाओं की बात मानता है, क्योंकि लाखों छात्रों की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। जो इसमें पास हो चुके हैं उनके ऊपर फिर से खतरा मंडरा रहा है, जो नहीं पास हुए हैं जिनको परेशानी थी नीट यूजी परीक्षा में, वो फिलहाल देखना होगा कि अगर उनके फेवर में डिसीजन आता है तो उनके लिए खुशी की लहर है, लेकिन अगर जो ये कह रहे हैं याचिकाकर्ता कि इसे रद्द ना किया जाए तो उनके फेवर में डिसीजन नहीं आता, फिर देखना होगा कि क्या उनके तरफ से रुख क्या अख्तियार करना होगा। फिलहाल सुप्रीम सुनवाई में नीट की परीक्षा पर आज सबकी निगाहें टिकी है। और इधर नेट पेपर लीक मामले में झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार दूसरे आरोपी बंटी से लगातार सीबीआई की पूछताछ जारी है। बंटी को पटना लेकर लाई है एसबीआई और वहां से पूछताछ उस पर कर रही है। सूत्र के मुताबिक बंटी ने सीबीआई के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं जो आगे की जानकारी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। फिलहाल सीबीआई की एंट्री तो पहले से हो गई है, अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड ले जाकर लगातार पूछताछ की रही है। पटना बिहार से यह खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने बंटी से कई सवाल दागे हैं और जिसमें बंटी ने कई अहम और बड़े खुलासे किए हैं। अब देखना है कि जो बंटी ने सवालों के उत्तर दिए हैं वो किस और कड़ी से पर्दा उठाता है। तो आरोपी बंटी को पटना से धनबाद पावर तोड़ एक्शन जारी है। 22 जून से अब तक 5 राज्य बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से 33 आरोपियों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें पटना मॉड्यूल में बिहार से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी मॉड्यूल से जुड़े झारखंड के अलग अलग जिलों से 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं गोधरा मॉड्यूल में गुजरात से परीक्षा में धांधली के आरोप में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लातूर मॉड्यूल में महाराष्ट्र से 2 शिक्षक और उत्तराखंड के मसूरी से लातूर मॉड्यूल के मास्टर माइंड गंगाधर को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पेपर लीक मामले में सीबीआई के रडार पर कई बड़े नाम हैं, जिन तक पहुंचने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अब नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि नीट पेपर लीक के विरोध में आज दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन होगा। इंडिया यूथ फ्रंट ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग करेगा IYF और साथ ही केंद्र सरकार पर हमलावर भी होगा। जंतर मंतर पे लगातार विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर नीट परीक्षा को दोबारा फिर से कराने की मांग को लेकर ये विपक्ष के पक्ष के मतलब जो सत्ता है उसके खिलाफ ये विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन होगा। नीट लीक पेपर मामले में आज विपक्ष इंडिया यूथ कांग्रेस बताया जा रहा है जो आज जोरदार प्रदर्शन करेगा। वैसे भी आप देखिए तो देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे वो राजस्थान की बात करें या फिर दिल्ली या फिर और राज्यों की, वहां पर कांग्रेस जोरदार हमलावर है। चाहे फिर वो यूथ कांग्रेस की बात करें, आज फिर से इंडिया नेशनल यूथ कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा नीट परीक्षा के मामले में, जहां केंद्र सरकार को फिर से घेरने की कोशिश की जाएगी। और एक और बड़ी खबर नीट से ही जुड़ी हुई है कि नीट की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था यानी एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को लेकर एनटीए द्वारा संचालित परीक्षा को लेकर देशभर में मौजूद सभी सर्वरों की जांच की जाएगी, जिनसे तैयार किए जा रहे हैं एग्जाम पेपर। ये जांच 14 यानी कि I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा की जाएगी। गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और IT मंत्रालय के कई दौरे के बाद, बैठकों के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। डार्क वेब से पेपर लीक आरोपों के बाद I4C की टीम इन सर्वरों की गुणवत्ता और लीक प्रूफ सिस्टम की जांच करेगी। खामी पाए जाने पर तुरंत ऐसे सर्वरों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
और इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का एक और विवादित बयान सामने आया है। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लड़कियों को बड़ी साजिश के तहत मजहब बदलवाने की मुहिम चलाई जा रही है, उनकी शादियां कराई जा रही हैं, जिसके पीछे आरएसएस के लोगों का हाथ है। मौलाना तौकीर ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवानों को नशे का आदि बनाया जा रहा है, मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों से ही नशा बिकवाकर उन्हें नशे का आदि बनाया जा रहा है और इसके पीछे भी बकायदा आरएसएस की मुहिम काम कर रही है, मुस्लिम नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। तो तौकीर रजा का नशा बेचने वाले असीदिया तस्वीरें देख रहे हैं। रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने की पूरी तैयारी में, ये सीधे तस्वीरें आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद ये दौरा और बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। दो दिवसीय दौरा, राष्ट्रपति पुतिन से भी व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे और यहां तक कि रात्रि भोज का आयोजन भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया है जहां पर शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो दिवसीय कार्यक्रम बताया जा रहा है जहां रशिया और भारत के संबंध को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। 8 और 9 जुलाई ये दो दिन दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। इसके पहले ही 7 जुलाई यानी कि बीते कल को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बड़ा बयान दिया कि रूस और भारत के संबंध को और महत्वपूर्ण और इनकी जो बीच की जो कॉमर्शियल कोऑर्डिनेशन है उसको और ज्यादा धार देने के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन से भी बात की जाएगी, साथ ही SU-47 की जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर भी पीएम मोदी बातचीत कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबल पीस की बात भारत हमेशा से करता आया है। फिर उसके बाद ये दो दिवसीय कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से सीधे तस्वीरें, दिल्ली के एयरपोर्ट के सीधे तस्वीरें जहां इसी जहाज में बैठ के रशिया के लिए उड़ान भरेंगे। इन एजेंडों पर चर्चा होगी जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मिलिट्री लॉजिस्टिक पर, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर जोर की बात होगी क्योंकि भारत की यह प्रमुखता रही है कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, डिफेंस, तेल और तमाम अन्य बातों पर चर्चा होगी। द्विपक्षीय संबंध, व्यापार पर चर्चा की जाएगी। ये 2025 तक $30 अरब का ट्रेड लक्ष्य रखा गया है क्योंकि जितना अच्छा ट्रेड लक्ष्य होगा उससे ज्यादा, उससे ही आपकी इकॉनमी बूस्टअप होगी। 2025 तक $50 अरब का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट का प्लान भी, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। फिर से आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का दो दिवसीय रूस दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात का ये चर्चा बताई जा रही है जहां पर दिल्ली के एयरपोर्ट से सीधे आपको उड़ान की तस्वीरें भी हमने दिखाई जहां एयरपोर्ट पर फ्लाइट के अंदर बैठने वाली वो तस्वीर पीएम मोदी की और उसके बाद उड़ान भरकर सीधे रूस की तरफ रुख करेंगे। दो दिवसीय कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि किन किन एजेंडों पर चर्चा होगी, चाहे वो $50 अरब के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या फिर $30 अरब के ट्रेडिंग इकोनॉमी की बात की जाए, कॉमर्शियल बूस्टअप की बात की जाए, तो इन तमाम या रक्षा की बात की जाए चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वो वैश्विक हो, इन तमाम मुद्दों पर लेकर ये इन एजेंडों पर चर्चा की बात की जा रही है फिलहाल। और इस बीच में मुंबई के वर्ली से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन मामला फिर से निकल कर आया है। मुंबई में लगातार हिट एंड रन के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी वो केस कोई भूला नहीं था कि एक बार फिर से बाइक सवार दंपत्ति को एक गाड़ी ने उड़ा दिया और इस मसले पर राजनीति भी चरम सीमा पे है क्योंकि जिस गाड़ी ने उड़ाया है उसके पिता खुद शिंदे गुट से हैं और इसलिए उद्धव गुट इस पर हमलावर है। हादसे में फिलहाल बता दें कि जो घायल महिला थी जिसका अस्पताल में इलाज जारी था, इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई है, लेकिन महिला का जो पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है उसका अस्पताल में इलाज जारी है। राजेश शाह के बेटे हैं मिहिर शाह, मामले का मुख्य आरोपी है। मिहिर शाह ने गाड़ी से इस बाइक को, स्कूटी को टक्कर मारी थी, एक्टिवा स्कूटी जो कि सफेद रंग की थी जिसपे दंपति सवार थे। महिला की मौत हो गई है, पति अभी गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज जारी है और राजेश शाह जो कि शिंदे गुट के हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मिहिर शाह उनके बेटे हैं जो कि मुख्य आरोपी हैं और इसी कार से BMW जो कार बताई जा रही है, ये तस्वीरें भी आप देखिए जिससे हिट एंड रन केस का मामला फिर से निकलकर मुंबई के वर्ली से बाहर आया।
पुणे के पोर्च कांड के खौफनाक हादसे को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि महाराष्ट्र में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आ गया। मुंबई के बल्ली इलाके में रविवार सुबह बीएमडब्ल्यू कार ने एक टू व्हीलर को टक्कर मार दी। हादसे में एक दंपत्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसमें महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है। मुंबई की बल्ली पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए एकनाथ शिंदे गुट के नेता राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि गाड़ी उनके नाम पर ही रजिस्टर है। साथ ही पुलिस ने राजेश शाह के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो हादसे के वक्त राजेश शाह के बेटे और मामले के मुख्य आरोपी मीर शाह के साथ गाड़ी में मौजूद था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मीर शाह हादसे के वक्त जू इलाके में एक पब से पार्टी करके अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था, जो हादसे के बाद से फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरों की मीडिया रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन की हरकतों पर खामोश रहने का आरोप लगाया। यही वो तस्वीर है जो कांग्रेस के द्वारा पोस्ट की गई है, जहां बताया गया कि सैटेलाइट तस्वीरों में यह दिखाया गया है कि चीन लगातार पूर्वी लद्दाख में दखल दे रहा है और अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दावा यह भी किया गया है कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास खुदाई करके चीन बंकर बना रहा है और सिरजाप मिलिट्री बेस के पास अंडरग्राउंड बंकर के साथ ही बख्तरबंद वाहन तैयार किए जा रहे हैं। गोला बारूद का स्टोर बना दिया गया है और इसी को लेकर अब क्यों केंद्र सरकार इस पर कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा है, यानी कि जवाब नहीं दे रहा है, उसके तरफ से कोई भी रुख क्यों नहीं इख्तियार किया जा रहा है, इसको लेकर ये जो पोस्ट है वो कांग्रेस के द्वारा पोस्ट की गई और इसी के जरिए जो पूर्वी लद्दाख में एंट्री की जा रही है चीन के द्वारा, जो कि बख्तरबंद तैयार किए जा रहे हैं, एक पोस्ट तैयार किया जा रहा है पैंगोंग झील के पास से, वहां पर इसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर ही कांग्रेस हमलावर है। और वहीं विरोधी दल इस मामले पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। लगातार चीन को एक तरफ मोदी सरकार व्यापार देती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी उनके साथ झूला झूलते हैं, तीसरी तरफ चीन के आक्रामक रुख पर प्रधानमंत्री की आवाज दब जाती है, तो ये सवाल खड़े करता है। मोदी जी चीन से इतना डरते हैं, थर्राते हैं कि चीन का नाम वो उस घटना के बाद जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उसके बाद में च शब्द नहीं आया, उसके पहले सी फिंचिंग इनके बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, झूला झूलते थे, तो ये हालत है इनकी। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया और कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार भी किया और कांग्रेस पर चीन के साथ करार करने का आरोप लगाया। सुनिए जरा। सच ये है, चाइना उस जमीन पर सुरंग या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है जिस जमीन को 1962 के अंदर पंडित नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको थाली पर परोस कर दी थी। और सच ये भी है कि आज से 10 साल पहले एके एंथनी, जो कि यूपीए के काल के अंदर रक्षा मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम अपने तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिर नहीं खड़ा करते, को हमें डर लगता है कि चाइना उसको दुरुपयोग न कर ले। गलवान में हैंड टू हैंड फाइट में हमारे 20 जवान बलिदान हुए थे और चीन ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी सूची नहीं जारी की, जबकि इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा उनके करीब 55 से 60 लोग मारे गए और उस पर इनको भरोसा है। अफसोस ये है, मुझे लगता है चीन के साथ जो करार का प्यार है कांग्रेस पार्टी का, वो मोदी जी के विरुद्ध तकरार में बार बार उभर कर सामने आता है। इधर बाबा के पूर्व सेवादार, उसके बिदके हुए भक्त और बाबा के पाखंड से पीड़ित लोग जो कहानियां सुना रहे हैं उससे तो ये बाबा बहुत बंडरबाज साबित होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल बाबा के साथ जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा, जिन्होंने उसे पुलिस की नौकरी से लेकर बाबा बनने तक जाना है, अगर वो कुछ बातें कहते हैं तो उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए मिलते हैं, आपको मिलाते हैं बाबा के उस राजदार से और सुनाते हैं कि वो बातें जो बाबा की पोल खोलने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। ये नाजर बाबा सूरजपाल जाटों से लंबे वक्त तक इनकी जमती थी, मगर अब नाजर सिंह बाबा के जिक्र पर फट पड़ते हैं। सूरजपाल जाटों के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ नाजर सिंह उसका नाम सुनकर ऐसे भड़के कि भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगे। तो उस टाइम कुछ नहीं था बाबा, बाबा जी
अच्छा बिल्कुल, तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। नासर सिंह का गुस्सा जब शांत हुआ तो उनसे बाबा की हर जानकारी जुटानी शुरू की। तब सील से आप बाबा के सबसे बड़े राजदार से जानिए कि कैसे सूरजपाल जाटव के चमत्कार के सारे दावे हवा हवाई होते जा रहे। किसी का ये पेन हो जाएगा या पर्स गिर पड़े तो पर्स उनको उन्हीं राज मिलेगा, भाई तुम्हारा पर्स हूँ मिल सकता है नहीं मिलेगा। तो ये पर्स गिर गया किसी का अपना अपना भाई लो, तो जिसका पर्स तो पर ले आता था वहां क्या था सब बाबा पर्स मिल गया, बाबा उनको दे दिया, उनको कहा दे दिया पर्स, हमें तो मिल जाए सब हम सर उठाना, तीन दिन घरे उन्हें सब तुम हम बस पर्स मिल गया तो अच्छा। मतलब पर्स भी गिरता था तो उन्हीं का पर्स होता था, उन्हीं के लोग उन्हीं का पर्स था उन्हीं मिल जाता था। बाबा मनगढ़ंत चमत्कारी कहानियां गढ़ता था, उसके सेवादार और पिंक पल्टन इन्हीं किस्सों को सुनाकर भोले भाले भक्तों को फंसाते थे, जबकि ये बाबा खुद अपने माँ पिता का कोई सम्मान नहीं करता था। सूरजपाल जाटव ने कभी अपने माँ पिता के पैर नहीं छुए। सूरजपाल जाटव अपने पिता के निधन के बाद घर तक नहीं गया था। मैंने यहाँ देखा तो मतलब क्या देखा कि बाबा जो सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुपाए, माँ ने पैर छूने की कि नहीं, क्यों छुए माँ ने, माँ का हक है, माँ तो माँ होती है। नासर सिंह बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही सूरजपाल जाटव खुद को भोले शंकर बताने लगा था। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान सूरजपाल सभी बच्चों से उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। हाँ पढ़े साथ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो पढ़े कक्षा 6 में। अच्छा कहाँ पर पढ़ा? गन्नौरवाला। गन्नौर वाले में? गन्नौरवाला डेंटल कॉलेज है। अच्छा और डिग्री कॉलेज भी वहाँ पर। स्कूल टाइम में बाबा तब स्कूल टाइम कुछ नहीं थे बाबा, बाबा जी अच्छा बिल्कुल थे वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। अच्छा। जैसे किसान होता तैसे थे। चमत्कार कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, इनके पास चमत्कार चलेगा चमत्कार चिड़िया अभी तक नहीं उनके पास थी कोई। चमत्कार तो बहुत चीज बड़ी चीज होती है। छठी क्लास में था? हाँ तो क्या होता छठी क्लास हम भी थे ना जी, पहले पढ़ते थे हम, छठे में बाद में गए थे हम, 1966 में गया था छठे में जी, हमसे पहले थे 2-3 क्लास पहले के ये थी वहाँ पर। तो फिर स्कूल कितने तक पढ़ा उन्होंने? इंटर किया है अंदाज है जी। इंटर करके भर्ती होते ही तब तो हाईस्कूल पहुंच जाते भर्ती। पढ़ाई के बाद सूरजपाल ने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली। जब उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई तो नाजर सिंह भी वहीं तैनात थे। दोनों का रोज का मिलना जुलना था। 10 साल तक नाजर सिंह और सूरजपाल का वास्ता रहा। आगरा के शाहगंज थाने में रहने के दिनों को याद करके नाजर सिंह सूरजपाल की सनसनीखेज हकीकत सुनाते हैं। वहीं से उन्होंने रिजार दे दी कि मैं तो सागर बिस्तरी हो गया हूँ, ऐसा कहा गया था। एक कहा खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो हाँ। तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखा हो ना, हम तो सागर बिस्तरी के भोले नाथ हैं, बजरंग बली हम काम कुछ है ही नहीं हाँ। सब बार बता रहा हूँ मैं उनको जो अच्छा सुनती थी हाँ। फिर जहाँ आता था मैं तो यहाँ भी पूछताछ करता था लोगों से क्या हो रहा है, देखो जो बताए थे ये सभी औरतें लोहड़ियाँ नाचती थी यहाँ पे, साफ कह रहा हूँ जो बाबा कह रहे थे कर ले, लोहड़ियाँ नाचती थी, लोहड़ियाँ की सेवा करती, लोहड़ियाँ की बार फार काटती थी, यहीं की बात कर रहा हूँ जो अंदर गए वो ताम है। बाबा के पूरी तरह चमकाने के लिए सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से इस्तीफा देकर बाबा एक धुन भक्तों को बेचने लगा था। खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर से जुड़े मामले में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नार्को टेरर से जुड़े कनेक्शन मामले में सैयद सलीम जहांगीर अंद्राबी उर्फ सलीम अंद्राबी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस आरोपी का लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ कनेक्शन है और ये गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से कुपवाड़ा का रहने वाला है। पिछले 4 सालों से ये आरोपी फरार था। इसके खिलाफ साल 2020 में एनआईए ने मामला दर्ज किया था। सैयद सलीम जहांगीर अंद्राबी उर्फ सलीम अंद्राबी की गिरफ्तारी से जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। अदर महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही भारी बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या शहर क्या गांव सभी जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ठाणे में मूसलाधार बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। वहीं रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 घंटे में मुंबई में 300 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सड़कों पर पानी भरा है, पटरियों पर पानी जमा हो गया है। इस वजह से ट्रेनें लेट हैं, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, कई इलाकों में बसों का रूट डायवर्ट किया गया है।
दफ्तर जाने वाले लोग लेट हैं, बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और मूसलाधार बारिश ने अब चारों तरफ पानी से सराबोर मुंबई को कर दिया है। और सिर्फ बारिश ने मुंबई ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों पर भी बरसात की भारी मार पड़ी है। मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए बला बन गई है। कई लोग किले में फंस गए। वहां से सामने आए वीडियो में भयानक मंजर नजर आया। भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों तक पानी आ गया, वो भी इतनी तेजी से कि ऐसा लगा मानो झरना बह रहा हो। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। आपको वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीढ़ी है जहां से आपको पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो में ऐसा लग रहा है मानो झंडा हो, लेकिन वो सीढ़ी है जहां पर पर्यटक घूमने के लिए गए थे। लेकिन अचानक किस तरह से उस सीढ़ी पर पानी, बाढ़ का बारिश, या फिर यूं कहिए कि बारिश के जो पानी है वो आया कि एक दूसरे अपने अपने जान को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे, उस सीढ़ी को किसी तरह लोगों ने पार किया। अगर और तेज रहता और अगर मौके पर इनको नहीं, ये नहीं बचते या इनका जो मेंटल बैलेंस है वो काम नहीं करता, तो एक बड़ी घटना यहां पर घटित हो सकती थी। फिलहाल ये तस्वीरें रायगढ़ किले में फंसे पर्यटकों की हैं। और अब आपको बारिश की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। वो 6 तस्वीरें उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, असम से लेकर महाराष्ट्र तक हैं और मध्य प्रदेश, झारखंड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है। असम में बाढ़ ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 66 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। और असम में भी बाढ़ से चारों ओर हाहाकार मच गया है। 24 घंटे में बाढ़ की चपेट में आने से 8 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं असम में बाढ़ से अब तक 66 लोगों की जान जा चुकी है। और असम में बाढ़ और बारिश के बीच रेस्क्यू टीम ने 24 घंटे में करीब 218 लोगों को सुरक्षित जगह से पहुंचा दिया है। तो एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। असम की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो असम में ये बाढ़ से हाहाकार मचा है। अब सीधे आपको नेपाल में बाढ़ का कहर किस तरह जारी है वो आपको दिखाएंगे कि कई जिलों में हालात डरावने हो गए हैं। बाढ़ की वजह से अब तक नेपाल में 70 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें महज 2 दिन में ही बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। क्या कुछ हालात है देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में बाढ़ ने कोहरा मचा दिया। कई जिलों में हालात बेहद डरावने हो गए। बाढ़ की वजह से अब तक नेपाल में 70 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें महज 2 दिन में बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में धावा बोलता हुआ दिखाई दिया, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे सुनामी के बाद समंदर का पानी लोगों को बर्बाद करने पर उतारू हो। वहां दूर दूर तक ऐसा एक कोना नजर नहीं आया जिसे सैलाब ने बख्शा हो। क्या गली, क्या सड़क, क्या खेत खलिहान, सब बाढ़ की भेंट चढ़ गए। हजारों लोगों के सपनों का आशियाना बाढ़ के रौद्र रूप ने उजाड़ दिया। कई इलाकों में बाढ़ के पानी का कब्जा इस कदर हो गया कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। जो लोग जरूरी काम से बाहर निकले उनके लिए भी वो सफर आफत बन गया। उन्हें घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। हालांकि नेपाल की रेस्क्यू टीम बाढ़ की वजह से जगह जगह फंसे लोगों को नाव की मदद से बचाने में जुटी है। और इधर भगवान राम की नगरी में बहने वाली सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सरयू नदी का जल खतरे के निशान को पार कर गया है। सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरयू खतरे के निशान से करीब 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आपको इस सरयू नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि 27 सेंटीमीटर ऊपर से ये बह रही है। लगातार मूसलाधार बारिश से प्रशासन ने नदी के आसपास सटे रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। रामनगरी में सरयू का रौद्र रूप है। भारी बारिश और बरसात के मौसम के कारण अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के तरफ जा रहा है। वार्निंग लेवल से लगभग
26 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है और डेंजर लेवल से 73 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन जिस तरीके से सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ये माना जा रहा है कि आगामी 24 से 48 घंटे में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर लेंगी, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट है। हालांकि स्नान घाटों पर जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं उनके सुरक्षा के लिए एक अस्थायी ब्रिज बनाया गया है। इसके अलावा SDRF और जल पुलिस की तैनाती की गई है जो गश्त करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही, और आगे खास प्रोग्राम जरूर देखिए 100 गांव 100 खबर।